हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशंस। अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशंस में हम देखेंगे सम लॉज एंड देयर सिंटेक्स। जैसे पहला लॉ क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएट करो, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, एक दो बार बोलो, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक। आपको नाम थोड़ा अटपटे लगेंगे, लेकिन एक दो बार अभी हम करते जाएंगे, बार बार अलजेब्रा में आएगा ये। अब कैसे याद रखेंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं किसी भी प्रपोजिशन का खुद के साथ, देखो पी का पी के साथ ही है ना, डिसजंक्शन या कंजंक्शन करेंगे तो रिजल्ट खुद ही आएगा, सेम स्टेटमेंट। अगर ट्रूथ टेबल बनाओगे पी का पी के साथ डिसजंक्शन करो तो रिजल्ट वो जो कॉलम है वही आएगा जो पी के लिए हमने लिख रखा है, फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो खुद के साथ में डिसजंक्शन या कंजंक्शन करने पे प्रपोजिशन खुद ही रिजल्ट के फॉर्म में आता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ऐसा हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आगे चल करके, ठीक। तो आइडेम्पोटेंट लॉ, ये सिंटेक्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरा क्या लिखा हमने, कमुटेटिव लॉ, बोलो जरा, कमुटेटिव हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय, ऑर्डर बस क्रम बस जो है बदला रहता है। जैसे P डिसजंक्शन Q, वही रिजल्ट देगा जब पहले Q को बोले Q डिसजंक्शन P, अल्टीमेटली P और Q कॉलम के बीच में ही क्या हो रहा है, डिसजंक्शन। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। सेम आपका कंजंक्शन ऑपरेटर के लिए है, P कंजंक्शन Q बोले या Q कंजंक्शन P बोले, बस बोलने का क्रम बदल रहा है प्रपोजिशंस को। सो दिस टू आर सिंटेक्स ऑफ लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। राइट, अनदर टू लॉज, थर्ड एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में आप इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, ठीक है। साहचर्य पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो एसोसिएशन क्या होता है, जुड़ाव है ना, एसोसिएशन फॉर्म होता है, सुनते हो नॉर्मल बोलचाल में लोगों के बीच। तो एसोसिएशन मीन्स पी क्यू आर तीन प्रपोजिशन है, किसी दो को एसोसिएट करो, साथ में रखो और सबके बीच में ऑपरेशन सेम रहेगा। जैसे हम डिसजंक्शन ऑपरेटर के लिए बात करें, अब यहां मीनिंग क्या है, पी क्यू आर के बीच में क्या करना है, आपस में डिसजंक्शन। तो आप पहले दो को डिसजंक्शन करके रिजल्ट को थर्ड के साथ करो, या आखिरी दो को डिसजंक्शन करके इनके रिजल्ट को फर्स्ट के साथ करो, दोनों तरफ सेम रिजल्ट आएगा दोनों ही केस में, ठीक है। वैसे ही कंजंक्शन के लिए, पी क्यू कंजंक्शन करके उसका रिजल्ट कंजंक्शन करो आर से, या लास्ट टू क्यू और आर में कंजंक्शन करने के बाद रिजल्ट को कंजंक्शन करिए फर्स्ट पी से, फर्स्ट टू ब्रैकेट लास्ट टू ब्रैकेट। भाई एसोसिएशन यहाँ क्यू आर का, यहाँ किसका है, पी क्यू का। तो जब भी हम आगे चल के ब्रैकेट चेंज करेंगे, किसी दो को अलग अलग साथ रखेंगे, हम बोलेंगे वहां एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लीकेशन की तरह रहता है, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर, थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने सिंटेक्स, यहां बाहर डिसजंक्शन है अंदर में कंजंक्शन है, आगे इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी डिसजंक्शन आर। इस पी का डिसजंक्शन क्यू आर दोनों सो रहा है और दोनों रिजल्ट के बीच में क्या लग रहा है, कंजंक्शन। हम बोलेंगे डिसजंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कंजंक्शन के ऊपर, इसका उल्टा कंजंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन डिसजंक्शन पे कर दो। अब पी कंजंक्शन क्यू और P कंजंक्शन R, दोनों के बीच में ब्रैकेट वाला डिसजंक्शन है। अभी हम बोलेंगे कंजंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन डिसजंक्शन पे। कभी एक बार इसमें से किसी स्टेटमेंट को और एक आध बार यहां से किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो इक्विवेलेंस वाला केस है। इसके जगह बाय कंडीशनल भी आप लिख सकते हो लॉ में, है ना, तो आप इसको टेबल से प्रूफ करके दिखा सकते हैं। आप इसे लिखिए फिर एक प्रूफ करके देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में से एक स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं, पी क्यू आर तीन प्रपोजिशन तीन स्टेटमेंट है, तो आपका ये तीन कॉलम तो बने गए जैसे आप पहले बनाते रहे। इधर लेफ्ट के लिए देखो क्यू कंजंक्शन आर वाला कॉलम चाहिए, ये जो आ जाएगा उसका पी के साथ में क्या करोगे, डिसजंक्शन, को मैं ए नाम दे देता हूं, ठीक। इतना बना लीजिए पहले,
पी कैसे करेंगे, पहले हम चार बार पी को फॉल्स, फिर चार बार ट्रू लिख देते हैं। इसका दो दो का सेट रहेगा, दो बार फॉल्स, दो बार ट्रू। नेक्स्ट अल्टरनेट फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। कंजंक्शन में क्या होता है, क्यू और आर में देखो कंजंक्शन करना है, तो दोनों ट्रू वही ट्रू, ये दोनों ट्रू वही ट्रू। एक भी जिसमें फॉल्स लगता है, कंजंक्शन ऑपरेटर क्या देता है हमको, फॉल्स देता है। अभी टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस कॉलम का क्यू कंजंक्शन आर का पी के साथ में, फर्स्ट कॉलम के साथ में डिसजंक्शन चाहिए। डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, दोनों में एक भी ट्रू रहे तो ट्रू लिख सकते हैं। जैसे आ गया, यहां भी आ गया, इधर लेफ्ट साइड से आपको ट्रू मिलता जाएगा। ये हो गया आपका इक्विवेलेंस, जो प्रूफ करना लेफ्ट हैंड साइड का आपने कॉलम बना लिया। अब राइट हैंड के लिए क्या चाहिए, पी डिसजंक्शन क्यू चाहिए और पी डिसजंक्शन आर चाहिए। फिर इन दोनों के बीच आप क्या करेंगे, कंजंक्शन और करेंगे। पी डिसजंक्शन क्यू, कंजंक्शन पी डिसजंक्शन आर, ये मैं इसको बी नाम दे देता हूं। ए और बी के बीच आप ऐसे कॉलम में नीचे या ऊपर एरो लगा दोगे, अगर सिमिलर है तो प्रूफ हो जाता है, अदरवाइज ए और बी में और आप क्या कर सकते हो, आप बाई कंडीशनल लगाओगे। और बाई कंडीशनल लगाने के वो क्या आएगा, बाई कंडीशनल में पूरा का पूरा ट्रू टाटोलॉजी आ जाएगा, तो भी ये बात प्रूफ हो जाएगी। ठीक, चलिए करिए पी डिसजंक्शन क्यू। पी और क्यू कॉलम में देखो डिसजंक्शन कर रहे, दोनों फॉल्स है, अब फॉल्स लिखेंगे, एक भी ट्रू है पी और क्यू में, यहां वहां ट्रू लिखते जाएंगे आप। ठीक, पी और क्यू, उसके बाद पी और आर, दोनों फॉल्स हैं ट्रू, दोनों फॉल्स हैं, फिर एक ट्रू आ गया आपका। बस कॉलम बदलना नहीं चाहिए ना, पी और आर, तो पी और आर में आप ध्यान रखते हो, इधर चार ट्रू है तो मिलना ही है, पी साइड से ट्रू आ गया। दोनों में कंजंक्शन, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू तभी ट्रू। देखो ऊपर तीन फॉल्स फिर पूरा ट्रू, तीन फॉल्स पूरा ट्रू, ऐसा एरो दिखा दोगे तो भी ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल दोनों लेफ्ट और राइट के जो एक्सप्रेशन है आपके, हूबहू है, एग्जैक्टली सेम, आइडेंटिकल है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया। अब इसको बाई कंडीशनल लगाओगे, सेम है तो पूरा का पूरा क्या मिलेगा आपको, ट्रू ओनली, है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक स्टेटमेंट आपने प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से कोई भी ऐसे इक्विवेलेंस साइन से आएगा तो जैसा आपने लॉजिकल इक्विवेलेंस में किया है वैसे ही टेबल बना के आप प्रूफ करेंगे। अलजेब्रा प्रपोजिशन में नेक्स्ट है, नेक्स्ट लॉ इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपका दो स्टेटमेंट डी मॉर्गन्स लॉ का मिलेगा और हर जगह आप यूज करेंगे, बहुत ज्यादा आएगा ये। होल कॉम्प्लीमेंट पूरा ब्रैकेट के बाहर नेगेशन की बात करते हैं। पी डिसजंक्शन क्यू का नेगेशन क्या होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू अंदर जो भी प्रपोजिशन आए उनको निगेट करो और ऑपरेटर लड़ जाएगा। डिसजंक्शन है तो इनके बीच क्या लग जाएगा, कंजंक्शन। नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या है, पी कंजंक्शन क्यू का निगेशन, तो फिर से पी और क्यू में निगेशन लग जाएगा और यहां कंजंक्शन है वो क्या बन जाएगा, डिसजंक्शन। इसे भी इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए पूछा गया एग्जाम में, आप टेबल से आप प्रूफ करेंगे इसको, है ना, जैसे अभी टेबल से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ किए वैसे ही इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। आइडेंटिटी लॉ, किसी भी प्रपोजिशंस का ट्रू के साथ में कंजंक्शन करेंगे तो प्रपोजिशन ही आएगा, उसकी आइडेंटिटी बने रहेगी, चेंज नहीं होगा। वैसे ही किसी भी प्रपोजिशन का फॉल्स के साथ
डिसजंक्शन करोगे तो भी प्रपोजिशन इटसेल्फ ही एज रिजल्ट आएगा, उसकी आइडेंटिटी बने रहेगी। सेवंथ एंड लास्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के दो स्टेटमेंट्स हैं, किसी भी प्रपोजिशन का अपने कॉम्प्लीमेंट यानी निगेशन के साथ में डिसजंक्शन करोगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई प्रपोजिशन का कंजंक्शन करोगे तो हमेशा वो फॉल्स आएगा। ठीक, तो इतने सारे सेवन लॉज हैं जो हम अलजेब्रा प्रपोजिशन में देखते हैं, यूज करेंगे आगे।